बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं मुखातिब मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। इस टाइम मैं आज 13 में खड़ा हूँ, शम्स कलोनी है और ये 5 मरले का घर है, बहुत ही मुनासिब कीमत पे है। आए मैं आपको घर विज़िट कराता हूँ। ये सीढ़ी डायरेक्ट ऊपर जाती है, यहाँ पे ऊपर भी कमरा बना हुआ है और ये है अपना, इसका छोटा सा स्टोर बना लें आप इसको, यहाँ इसको ओपन कोई भी चीज़ रखना चाहें तो रख लें। ये कार पार्किंग, यहाँ पे एक गाड़ी बड़ी खड़ी हो सकती है। इतना सस्ता मकान इस्लामाबाद की हदूद में नहीं है जितना सस्ता ये वाला घर है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो मतलब आप इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर के अंदर जीतेरा में प्लाट नहीं ले सकते, वहाँ पे प्लाट की कीमत 2.5 करोड़ रुपये। मेरे साथ रहें, इसकी मैं प्राइस भी बताता हूँ और आपको इसके घर के पूरे बारे में, इसके बारे में बताता भी हूँ। और ये कश्मीर हाईवे पे नेस यूनिवर्सिटी के साथ है, डबल रोड आती है, वहाँ से आप इसके अंदर आएंगे, उसके लोकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है। मिड इस्लामाबाद के अंदर इतना सस्ता घर आपको नहीं मिल सकता जितना सस्ता घर ये है, इसलिए आपका जिसका लो बजट है वो ये घर परचेज कर सकता है। ये सिंगल स्टोरी घर है, बहुत ही लोकेशन प्यारी है और प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है। आएँ घर अंदर से विज़िट करते हैं। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे किचन है और किचन की मैं अगर बात करूं तो ये देखें, बहुत बड़ा किचन है, ओपन एरिया किचन है। यहाँ पे आपका बर्तन धोने की जगह लग जाएगी, ये सिंक लग जाएगा और ये है, यहाँ पे आप खाना वगैरह पका के रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे ये है इसका अपना टीवी लॉन्च, एलसीडी के लिए प्रॉपर जगह है। और ये है आपका ड्राइंग रूम भी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज ए बेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका वाशरूम है, इस घर के अंदर लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा लग रहा होगा। ये इसका एक वॉशरूम है यहाँ पे। अभी हम आपको इसका बेड दिखाते हैं, आए बेड देखते हैं। ये एक बेड है, काफ़ी बड़ा बेड है, जैसे ऐसे बेड है कि जितना 35-70 का बेड होता है, इसी तरह 5 मरले के अंदर काफ़ी बड़ा बेड है। विंडोज़ भी लगी हुई है, ओपन एरिया भी है। और ये है अलमारियाँ, जिसमें 4 पल्ले की अलमारी, आप कपड़े फोल्ड करके इस्त्री करके भी रख सकते हैं। और ये एक इसका वाशरूम है, ज़ाहिर है प्राइस के हिसाब से हर चीज़ लगी हुई है, अपना प्राइस जो है वो इतनी मुनासिब है कि बहुत महंगी चीज़ें लग नहीं सकती। और ये है लॉन्ड्री एरिया इसका, क्योंकि यहाँ पे अभी काम होने वाला है, कुछ सफाइयाँ वगैरह भी रहती हैं और ये इसलिए इतना गंदा घर है, वरना अगर ये घर सफाइयाँ हुई हों तो बहुत साफ़ लगेगा, लेकिन ये घर सफाइयाँ नहीं हुई इसलिए ये घर थोड़ा सा गंदा है। इसमें भी अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये अलमारियाँ हैं, 3 पल्ले की अलमारी है। और ये है इसके साथ अटैच वाशरूम, दोनों बेड के साथ अटैच वाशरूम है, ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच वाशरूम है। ये देखें, ये है वाशरूम। अभी हम इसकी छत विज़िट कराते हैं आपको, आए छत पे चलते हैं। अच्छा, ये जी इसकी छत है, 5 मरले की, काफ़ी बड़ी छत है। इसके ऊपर आप अपना सरिये छोड़े हुए हैं, यहाँ पर आप इसकी अब बाकी पिलर उठा के बुनियाद उठा सकते हैं। साइडों पर भी सरिये छोड़े हुए हैं, आप इसको 2 फ्लोर बना सकते हैं। ये सिंगल स्टोरी है। इसकी अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड इसकी 1 करोड़ पे है, बेहद मुनासिब 5 मरले का घर इस्लामाबाद में 1 करोड़ रुपये में कहीं पे भी नहीं मिलता। मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि रियल इस्टेट के मुतालिक जितनी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।